बिहार के नए शहरों में हवाई यातायात सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि 12 शहरों में जल्द ही एयरपोर्ट का काम तेजी से पूरा कर लिया जाएगा और जिन 12 शहरों में होगा उसकी भी जानकारी हम देंगे आपको। लेकिन यह बता दें कि यह निर्देश कोई छोटे स्तर पर नहीं हुआ है, बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने खुद यह निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने बैठक में यह फैसला लिया है और अहम निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल बिहार में केवल 3 एयरपोर्ट का ही इस्तेमाल सार्वजनिक परिवहन के लिए हो पा रहा है, इनमें पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट शामिल है। भागलपुर, रक्सौल और गोपालगंज एयरपोर्ट को चालू कराने के लिए मांग लगातार तेज हो रही है। बिहार के बेटा में एयरफोर्स की हवाई पट्टी भी चालू हालत में है, लेकिन इसका केवल सैन्य इस्तेमाल ही होता है। इस बीच पटना हाईकोर्ट के एक निर्देश के बाद राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को हवाई अड्डों के विस्तार को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई जिलाधिकारी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में गया, पटना, बिहटा और दरभंगा के साथ ही पूर्णिया, रक्सौल, भागलपुर, मुंगेर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सोनपुर और फारबिसगंज में हवाई अड्डा विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिन जिलों में हवाई अड्डा निर्माण की योजना प्रस्तावित है वहां जमीन अधिग्रहण से लेकर अन्य लंबित कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयास हों। मुख्य सचिव ने कहा कि जमीन अधिग्रहण में यदि किसी प्रकार की मुश्किल आ रही हो तो इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों से परामर्श लेने के सुझाव भी जिलाधिकारियों को दिए गए। मुख्य सचिव ने इस दौरान बिहटा और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर तय सीमा में निर्धारित कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव के साथ ही विकास आयुक्त, कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव, सचिव व दूसरे अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बिहटा के एयरपोर्ट को पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर विकसित करने की योजना है। ऐसा इसलिए कि पटना एयरपोर्ट पर बड़े विमान उतारने लायक जगह भी उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों को और पायलट को भी परेशानियां आती हैं। बताया जाता है कि कमर्शियल अगर एयरलाइंस की बात करें तो पटना एयरपोर्ट पर स्पेस ही उतना नहीं है कि टेक ऑफ और जो है ये आसानी से किया जा सके, या फिर लैंड करने में भी दिक्कत होती है। रनवे के छोटा होने की बात बार बार कही जा रही है। तो इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए सरकार लगातार योजना बना रही है और चरणबद्ध तरीके से काम हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे एयरपोर्ट को भी विकसित करने का काम चल रहा है, पताही को भी विकसित करना है और फिर भागलपुर में भी यह काम तेजी से करना है। इसके लिए लगातार काम जारी है और बताया जा रहा है कि कोई अड़चनें अगर आती हैं तो तुरंत, अगर जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, भू अधिग्रहण का मामला है, तो आपको राजस्व विभाग में संपर्क करके परामर्श लेना होगा और चीज़ें ठीक करके काम किसी न किसी रूप में करके देना ही होगा। इसलिए इन 12 शहरों में एयरपोर्ट की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।